KTM RC 200 BS6 2020, तो क्या इसका एवरेज है सर्विस से पहले सर्विस के बाद। तो इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि सर्विस से पहले ये क्या एवरेज देती है और सर्विस के बाद क्या एवरेज देती है। तो दोस्तों, ये अभी एकदम ब्रांड न्यू बाइक है, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 दिन हुए होंगे इसे लाए हुए। अगर आपको इसकी टेकिंग डिलीवरी वाली वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और ये बहुत जल्द ही राइड पर जाने वाली है, एक छोटी सी राइड प्लान होने वाली है, तो जो आप लोगों को पता लग जाएगा अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो। नई पोस्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये है मेरा अकाउंट योगेश कुमार 0006। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाल बटन जरूर दबाएं ताकि एक से एक वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए करते हैं हम अपना काम स्टार्ट, माइलस्टर जो भी KTM RC 200 का है। मैं आज जो ये आपको ट्रिक बताऊंगा ये हर बाइक पे अप्लाई हो सकती है, चाहे कोई सी बाइक, चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे पल्सर हो, कोई सी भी बाइक हो, ये आप किसी पर भी टेस्ट कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े प्यार से एवरेज निकलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। उससे पहले बाइक की टंकी फुल करानी पड़ेगी। बाइक की टंकी फुल करना, चाहे उसमें 10 लीटर आता हो, चाहे 9 लीटर आता हो, चाहे 12, चाहे आप कितने भी लीटर की टंकी हो। इसकी 9.5 लीटर की टंकी है KTM की, तो मैं इसको फुल कराऊंगा। फुल कराने के बाद आपको एक चीज़ करनी है कि कम से कम बाइक को अपनी टंकी फुल कराने के बाद उसको अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास चलाना है। ज़्यादा भी हो सकता है 2-3 किलोमीटर, 103, 102 या 100 किलोमीटर से 1-2-3 किलोमीटर कम भी, लेकिन अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास ही चलानी है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में 100 किलोमीटर चला मारें, जब आपको काम हो तभी निकालें। जैसे 2-3 दिन में, 3-4 दिन में जब मरे जब चला ली, या फिर आपको एक ही दिन का ही मतलब आना जाना लंबा है, फिर तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आप मतलब ऐसे ही नॉर्म बेफजूल में ना चलाएं, जब काम पड़े तभी निकालें, तो ज़्यादा सही रहेगा, पेट्रोल की बचत होगी, आपका पैसा बचेगा। तो फिर चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे, आगे की बात वहीं करते हैं। मेरी बाइक 203 किलोमीटर चली है और आप देख सकते हैं पेट्रोल सिर्फ 2 पॉइंट है। टंकी फुल हो चुकी है, चलो चलते हैं, अब इसका करते हैं माइलेज टेस्ट। तो भाई लोग, माइलेज टेस्ट करते करते हम पहुंच गए इंडिया गेट। अपनी बाइक गेरी और हमारी बाइक चल चुकी है, हमारी बाइक चली है अभी 219 किलोमीटर, 219 किलोमीटर चली है और अभी एक पॉइंट कम हुआ है, अभी हमें और चलानी है। तो मैं अपनी बाइक 100 किलोमीटर के अराउंड चला चुका हूँ, पहले चली थी 203, अब चली है 306 किलोमीटर, यानी कि 106 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो अब जाके इसमें डलवाते हैं पेट्रोल, जितना भी आएगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और सॉरी यार, मैंने बीच की वीडियो नहीं बनाई किलोमीटर की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे। दोस्तों, मैंने करीबन 100 किलोमीटर अपनी बाइक चला चुका हूँ और अब मैं खड़ा हूँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग पे, 100 किलोमीटर के आसपास आपको चलानी है।
हाँ तो भाई लोग अब आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। मैंने सारा डाटा लिख रखा है अपने इस कागज पर। तो हमारी बाइक में दूसरी बार में पेट्रोल आया है इसमें 330 रुपए का, यानी कि 330.25 पैसे, तो 330 के मान लो। और इसमें पेट्रोल आया है 3.90 लीटर, यानी कि 4 लीटर में सिर्फ 10 ग्राम कम। और अब हम निकालते हैं इसका माइलेज। माइलेज कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा डाटा था कि हमें 100 किलोमीटर के आसपास बाइक चलानी है, तो वो मैंने चला चुका था जैसा आपको बताया था मैंने। तो 106 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई थी, तो 106 किलोमीटर को आप डिवाइड कर दोगे किसमें, जो आपने अभी इसमें पेट्रोल डलवाया है उससे। 106 को आप भाग कर दोगे, मतलब डिवाइड कर दोगे 3.90 लीटर से भाग कर दोगे, तो हमारा एवरेज माइलेज निकल के आता है 27 किलोमीटर का। तो ये KTM RC अभी सर्विस से पहले 27 का एवरेज दे रही है, और सर्विस के बाद वो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा दूसरी की सर्विस के बाद एक क्या एवरेज देती है। यानी ये एक लीटर में 27 का एवरेज दे रही है, जो कि ठीक है। सर्विस के बाद कंपनी वालों का कहना है कि इसका एवरेज 35 के आसपास होगा, और सर्विस से पहले उन्होंने बताया था कि 25 के आसपास का एवरेज दे रही है। 27 के दे रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है। और ये हर बाइक पर अप्लाई हो सकता है, किसी बाइक पर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से आप माइलेज निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। बाय।